हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास बेस्ड बायो सावर्ट्स लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरी करंट उसके ऊपर है। तो देखो जरा क्या कहता है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कितना करंट है 35 एम्पियर का, आई हो गया 35 एम्पियर। वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से इसके सेंटर से मान लो 20 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आर जो हो गया ये आपके पास हो गया 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर आपको याद हो डेरिवेशन में किया था हमने, याद है स्ट्रेट वायर की, तो उसके सेंटर से जो दूरी ली थी हमने पॉइंट पी की वो कितनी ली थी, आर इक्वल टू आर लिया था, है ना। और यहाँ पर ये आर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये आर 20 सेंटीमीटर है तो देखो यानी कि 20 सेंटीमीटर होता ही कितना, यानी कि बहुत पास है वायर के, तो यानी कि इसमें केस कौन सा लगेगा, नियर द सेंटर ऑफ द वायर। समझ रहे हो, नियर द सेंटर ऑफ द वायर वाला केस क्या था, उसमें आंसर कितना आया था बताओ जरा जल्दी से मुझे, क्या आया था आंसर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कहाँ पर, नियर द सेंटर। तो याद है वहाँ पर बी सेंटर हमने निकाला था, कितना था वो आपके पास, वो वैल्यू थी आपके पास 2μ0I अपॉन में 4πr, ये वैल्यू थी। तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखो वैल्यूज तो सारी गिवन है हमें, 2 इंटू में म्यू नोट कितना होता है 4π इंटू में 10⁻⁷ कर दो, या फिर म्यू नोट बाई 4π की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता था 10⁻⁷। समझ रहे हो, चलो ऐसे कर देते हैं। आई कितना है हमारे पास 35 एम्पियर का, और नीचे कितना है देखो 4π है, और आर कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा 20/100। देखो ना आर कितना है हमारे पास, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20/100 किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो 20/100, तो ये 100 हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर मैंने जो आपको बोला म्यू नोट बाई 4π की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते थे, कितनी 10⁻⁷। ठीक है, तब भी 10⁻⁷ ही बचता, समझ रहे हो, क्योंकि वो वैल्यू थी म्यू नोट बाई 4π की, और अब मैंने म्यू नोट को क्या लिख दिया 4π × 10⁻⁷, तो 4π से 4π करके बात एक ही है। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर इसमें बस ये तो हो ही गया, देखो 2 और ये हो गया आपके पास 10। ठीक है, तो ये देखो ये बचा आपके पास 35/10 इंटू में देखो 10⁻⁷ और ये 10⁻² है ना, 100 10⁻², तो −7 + 2 माइनस का 5 आ गया, तो 35/10 कितना हो गया 3.5 इंटू में 10⁻⁵ टेस्ला, ये आ गया बी सेंटर। आया समझ में या नहीं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया हमने। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है इस पी पॉइंट पे जो कि 20 सेंटीमीटर दूर था, तो इसकी डायरेक्शन देखो कैसे निकाल लोगे आप, राइट हैंड थंब रूल लगाओ जी, थंब डायरेक्शन हो गया किसका, करंट की डायरेक्शन में, और ये हो गया आपके पास कर्लिंग फिंगर्स। देखो पी पॉइंट पे कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, यानी कि ये कैसा है, इनवर्ड है, समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख देंगे हम, डायरेक्शन इज इनवर्ड एट पी, समझ रहे हो क्या है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, पी पर इनवर्ड है, समझ रहे हो चीज़ों को, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।